आज 10 तारीख है और बुध का दिन है, रात के 10 बज चुके हैं। ये बकरा लाहौर में जा रहा है, साजिद अली भाई साहब ने मंगवाया ये बकरा, लाहौर में जा रहा है। ये देखिए भाई, खूबसूरत फेस में, लंबे कानों वाला, थोड़े थोड़े ना का। ये बकरा लाहौर में जा रहा है, लाहौर। ये अलमदीना की गाड़ी है, इसी बस में ना अभी लोड हम करवाते हैं। अलमदीना की गाड़ी है, चल ला चलो। ये देखें भाई, अलमदीना की गाड़ी है, अलमदीना। ये डिग्गी खुल चुकी है, थोड़ी जगह ना खाली कर मौलवी, चल लोड करो ना। चिड़िया तो देना है, उतना ना राब लगा लेना, वरना निकल रही। हाथ बड़ा कर लो। अलमदीना पूछे, इसी गाड़ी पे ना लोड हो गया आपका वगैरह, ठीक है। डिग्गी वगैरह बंद हो गई है, गाड़ी का नंबर है 2179, ठीक है। और ये अलमदीना की गाड़ी है, इसी गाड़ी पे ना आपका लाहौर के लिए बकरा हमने रवाना कर दिया है। ये अभी इस इधर ना वो लगेगा बोर्ड लाहौर जो लिखा होगा, तो अभी ये नहीं लगा। आज 13 तारीख है और हफ्ते का दिन है, शाम के 7 बज चुके हैं। ये भेड़ है, मोटी ताजी भेड़ है, ये गुजरात जा रही है, गुजरात में। खूबसूरत फेस में, मुंदरे मुंदरे भेड़ है, देखें ये गुजरात जा रही है, गुजरात। चला चल लोड कर, ये गाड़ी इसी गाड़ी पर हम अभी लोड करवाते हैं, लोड कर। इसी गाड़ी पे लोड हो गए, 786 गाड़ी है गुजरात। इसी गाड़ी पे ना आपका भेड़ वो लोड हमने करवा दिया, ठीक है। नाथ कूच है, नाथ कूच है गाड़ी का नेम। अस्सलाम वालेकुम, आज 14 तारीख है और एतवार का दिन है, रात के 10 बज चुके हैं। ये दो बकरे सियालकोट में जा रहे हैं, दो बकरे सियालकोट जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बकरे हैं। हाजी मुबशर साहब ने ये मंगवाया, दो बकरे सियालकोट जा रहे हैं, ठोरे थोड़े नो। खूबसूरत मक्खी चीना है, ये वाला थोड़ा बड़ा बकरा है, ये छोटा है, दोनों के दोनों भी दो दांत है। ये देखें भाई, मोटा ताज़ा बकरा, दो दांत बकरा है, और ये वाला भी दो दांत ही है, दो दांत और कुछ बकरा है। थोड़े सिर तला कर, सिर तला कर, बचा के कुर्बानी जानवर ने। इसी गाड़ी पे भाई दो बकरे आपके लोड होंगे, इसी गाड़ी पे सज्जन तैयार है, मैं आगे से आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। सियालकोट, सियालकोट के लिए दो बकरे रवाना हो गए, 1590 गाड़ी का नंबर है। और ये देखें भाई, सज्जन तैयारा, यही गाड़ी है, इसी गाड़ी पे आपके दो बकरे हमने कार्गो करवाए हैं, सज्जन तैयारा गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 तारीख है और जुमे का दिन है, रात के ना 10:30 हो चुके हैं। ये दो जानवर मियाँ वाली में जा रहे हैं, ये एक बकरी है, बड़ी बकरी है, ये देखें, ये दोनों मियाँ भाई। ये जालर वाला बकरा है, ज़बरदस्त बकरा है, लंबे गाने वाला, देसी मक्खी जिन्हें टोरे हैं थोड़े ना, बकरे टोरे नहीं। ये देखें भाई, ये बड़ी बकरी है, पकड़ पकड़ इन भाई दिए। अभी इस साइड से बस आने वाली है, जैसे आती है ना फिर ये हम कार्गो करवाए थे। अभी इस साइड से बस आती है ना, जैसे हम ये कार्गो फिर करवा देते हैं, वो बस आ गई है, इसी गाड़ी पे भी हम लोड करवाते हैं। ये मियाँ वाली की बस है, मियाँ वाली, जान दो, जान दो।
ये लाइट है, ये देखे मियाँ वाली। चला चलो दो हजार लाइसेंस लोड करो। चल ला चल ला चल लोड कर। ये ना देसी मक्खी जीना बकरा है ये वाला छोटा, और ये बकरी भी, दोनों खूबसूरत और अच्छे जानवर हैं मक्खी जीने। तीन आदमी ना ये लोड कर रहे हैं बकरी, तीन आदमी से एक बकरी हमने लोड हुई है बड़ी मुश्किल से, वो भी एनु ही लोड करो। सही है भाई, मक्खी जीना बकरा है। डिग्गी बांध कर और सारे डिग्गी बांध कर लपड़ी। आगे से भाई मैं आपको दिखा दूं, ये देखे गाड़ी का नंबर है 57 54 57 54, और ये देखे मियां वाली, इसी गाड़ी पे आपके जानवर दोनों लोड हो गए हैं। ये मियां वाली की गाड़ी है, इसी गाड़ी पे ना आपके दोनों जानवर हमने कार्गो करवा दिए हैं। एम डॉन जीशान कूच है, यही मियां वाली की गाड़ी है, ठीक है, आपके जानवर कार्गो हो चुके हैं। आज 13 तारीख है और हफ्ते का दिन है, दिन के 8 बज चुके हैं। ये बकरी लाहौर में जा रही है, खूबसूरत फेस में ये दूध वाली बकरी है, लाहौर जा रही है लाहौर। हमने दूध इसका निकाला भी था, ट्रेन वाला और चल चल ला चलो। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुनासिब हमने दे दी है बकरी, अल्लाह पाक उनके नसीब करे। लोड करो। अड्डे की बांध गई ना उस्ताद, वो लोड हो गई है। अल मदीना की गाड़ी, ऐसी गाड़ी पे ना आपकी एक बकरी लोड हो गई है 779 लाहौर। अल मदीना की गाड़ी है, ऐसी गाड़ी पे आपकी वो बकरी हमने लोड करवाई है, कार्गो करवाई है। अस्सलाम वालेकुम, आज 8 तारीख है और सोमवार का दिन है, रात के ना 8 बज गए। ये छतरा कसूर में जा रहा है, अरशद अली साहब ने मंगवाया है, छोड़े ना कर। ये देखें ये कसूर शहर में जा रहा है, ये देखें भाई ये कसूर जा रहा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्षेत्र है। हम अड्डे पे हुए, अभी बस आने वाली है, 5 से 10 मिनट लगेंगे बस आने को। ये देखें अभी अड्डे पे ही हैं, जैसे गाड़ी आते फिर इसको हम कार्गो करवाते हैं कसूर वाली बस पे। ये देख लें ये खा रहा है बूटे, ये जो अड्डे पे खड़े होते हैं ना इस तरह के बूटे, ये इन्हीं के लिए खड़े होते हैं। ये देख लें ये छतरा है, ये सीटों पे रखवाएंगे, डिग्गी में नहीं जाएगा, ये सीटों में आराम से जाएगा, सीटों में। चला चला आओ सीटों तले वाड़ पर करके वाणी। गाड़ी का नंबर है और ये देखें कसूर, बाकी लाहौर भी जाती है ये इसी गाड़ी पे ना। आपका छतरा हमने कार्गो करवा दिया है, मैं आपको जरा दूर से भी दिखाता हूँ गाड़ी। अल मदीना वाली कंपनी की गाड़ी है, और ये दूसरी स्काई वे खड़ी है, ये अभी जा रही है, अभी इसका टाइम हो गया इस गाड़ी का। ये देखें अलमदीना की गाड़ी है, 5579 गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है अभी। आपका छतरा कसूर के लिए हमने रवाना कर दिया है, सीटों पर रवाना किया है ताकि उसमें कोई उसको कहे कोई डिग्गी में कोई तकलीफ वगैरह ना हो। ये बैक साइड अलमदीना की, आज 12 तारीख है और जुमे का दिन है, रात के 10 बज गए। ये दो बकरे लाहौर में जा रहे हैं, 12 तारीख है और जुमे का दिन है, मोटे ताजे बकरे ये दोनों के दोनों लाहौर में जा रहे हैं, दोनों सेम है, सेम कंडीशन में है दोनों के दोनों। तो ले चलो
मदीना की गाड़ी है। आज 13 तारीख है और हफ्ते का दिन है। रात के ना 8 बज चुके हैं। ये बकरी बच्चे वाली कसूर में जा रही है, स्टाइलिश खानों वाली। ये बच्चे वाली बकरी है कसूर में जा रही है। ये बच्चा है अभी अड्डे पे आए हैं। अभी जैसी बात आती है ये फिर हम लोड करवाते हैं, कार को करवाते हैं। कसूर में जा रहे हैं। 13 मई है और हफ्ते का दिन है। रात के 8 बज चुकी हैं। इसके कान चेक करें भाई, और वो इसका बच्चा है। बच्चा और ये बकरी, ये दोनों कसूर जा रहे हैं। अभी जैसे ही बस आते ना ये फिर कार बंद करवाते हैं। इस साइड से बस आती है कसूर की, जैसे ही आएगी फिर हम कार करवाएंगे। लोड करो चाहते, लोड करो। ये भी बकरी लोड हो गई है, ऐसा भी लोड कर दी। हाँ बांध कर देगी, बांध कर देगी, बाहर निकल देनी। अलमदीना की गाड़ी है, इसी गाड़ी पे लोड हो गए हैं आपके बच्चे लिए बकरी। ठीक है, गाड़ी का नंबर है 3433 लाहौर, और ये कसूर से गुजर कर जाएगी। अलमदीना की गाड़ी है, मैं ज़रा दूर से भी आपको चेक करवा दूँ। ये देखें भाई अलमदीना, बांध कर दो इसी गाड़ी पे भाई लोड हो गए। ये देखिए आगे से फैसलाबाद, गाड़ी का नंबर है 8777। इसी गाड़ी पे ना बदखे और बच्चे लोड हो गए हैं। ठीक है, न्यू चौधरी। गाड़ी की बैक साइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बूटा टाइम है। और गाड़ी का ये ना 8777 है, चेक कर लें। मजीद कनेक्टर नंबर भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। इसी गाड़ी पे ना लोड हो गए, यहाँ से निकल रही है गाड़ी अभी। असलम, आज 7 तारीख है और एतवार का दिन है। रात के 10 बज गए। ये थैला है, गुल्ली का थैला है, ये फैसलाबाद में जा रहा है। ये सलमान भाई अपनी निशानी देख लें, ये ऊपर से ना ये जो रस्सी बांधी हुई है, ये एक मान है गुल्ली का, एक मान है। ये फैसलाबाद में जा रहा है, जिस बंदे को चाहिए गुल्ली हम बेच सकते हैं। यहाँ से बकरे और बकरियों की खुराक है, बेहतरीन खुराक है। ये फैसलाबाद वाली गाड़ी आ गई, ये बूटा टाइम है। इसी गाड़ी पे ना अभी हम लोड करवा देते हैं। ये देखें फैसलाबाद, लाओ चाह के लाओ। इसी गाड़ी पे ना हम अभी लोड करवा देते हैं आपको, न्यू चौधरी। बकरे और बकरियों की खुराक वाली खुरली, खुरली नहीं सॉरी गुल्ली जा रही है, गुल्ली गुल्ली। इसी गाड़ी पे ना एक थाला लोड हो गया, एक मन का। गाड़ी का नंबर है 8777 और ये देखें भाई फैसलाबाद। ये गाड़ी शेखुपुरा भी जाती है। इसी गाड़ी पे लोड हुआ है आपका एक मन। अस्सलाम वालेकुम, आज 11 तारीख है और जुमेरात का दिन है। रात के 10 बज चुके हैं। ये गबन बकरी ना ये गुजरांवाला में जा रही है, चांदी किला पे लैचना ट्रोल हो जाएगा। ये गुजरांवाला में जा रही है, ये गबन बकरी है माशा से। लोड करो, ये देखो भाई लैचना लोड करो। पहले से एक बच्चा बैठा है, बकरा वो छोटा है, बस उन छोड़ देना तो सैन लोड करो ना, वो आप इसी दवाई से आगा बस नहीं चाह के। इसी डिग्गी पे ना आपकी बकरी वो लोड हो गई गबर। ठीक है, गाड़ी का नंबर है 175। ये देखें भाई गुजरांवाला सियालकोट डस्ट वगैरह भी जाती रहती है। किसी गाड़ी पे ना आपकी एक गबन बकरी हमने कार को करवा दी है।
ये लाहौर की बात सही खड़ी है ये वाली, ये फैसलाबाद की है। इस गाड़ी में हमने लौटा है, लोड सज्जन दिया है इसी गाड़ी पे ना, आपका जाना हमने कार्गो करवा दिया है। ये बकरा देखे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और हैवी बकरा है, मोटा ताज़ा गंजा बकरा है, दो दांत बकरा है, खूबसूरत मोटा ताज़ा कुर्बानी वाला दो दांत बकरा ये देखें, और मोटा वजनी बकरा है। इसका जो वजन है वो तकरीबन 36 से 37 केजी वजन है, मोटा वजनी बकरा है, कुर्बानी के लिए बेहतरीन है। इसका आप सीना चेक करें माशाल्लाह, मोटा चौड़ा सीना है, वजन वाला है, वजनी दो दांत बकरा कटोरे ना, कुर्बानी वाला मोटा ताज़ा हैवी बकरा है, ज़बरदस्त मोटा ताज़ा वजनी वाला वजन बकरा है, वजन वाला। रोक रहे थे थोड़ा, आप इसके सींग चेक करें, सींग बिल्कुल नहीं है, गंजा बकरा है, खूबसूरत फेस में तोता फेस में माशाल्लाह, मोटा ताज़ा बकरा वजन वाला हैवी बकरा, बहुत ही मुनासिब की बात है, मोटा ताज़ा बकरा है। रेट इसका जो लिखा हुआ है रेट बिल्कुल फाइन लिखा हुआ है, हम आपको इसके दांत भी चेक कराएंगे, मुनासिब सा रेट है, बिल्कुल ये रेट फाइनल है। आज आजकल दो दांत बकरों के रेट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो रेट लिखे होते हैं वो रेट बिल्कुल फाइनल लिखे होते हैं। बकरा ना ये अगर आप हमसे लेकर इसकी कुर्बानी करते हैं तब भी परफेक्ट है, अगर कोई बंदा हमसे ये बकरा लेकर ना आगे सेल करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त और मुनासिब सा बकरा है, वजन बकरा है, वजन वाला मोटा ताज़ा बकरा है। दांत चेक करो ना, आप इसके दांत चेक कर लें, जल्दी जल्दी दांत चेक करो, ये देखें भाई दो दांत बकरा है, ताकतवर बकरा है, मोटा ताज़ा, काबू करो ना थोड़ा, ये जल्दी से आप चेक कर ले, बहुत ही मुश्किल से काबू किया हुआ है हमने, वजन वाला है, मोटा ताज़ा बकरा, बहुत तेज है, खूबसूरत बकरा है और मोटा ताज़ा बकरा है, वजनी बकरा है, मोटा ताज़ा गोश्त वाला, ये कोई पतला नहीं है, वीकनेस नहीं है ये, ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये कोई पतला बकरा नहीं है, ये मोटा ताज़ा बकरा है, बाग से दौड़ता सेहतमंद है, ज़बरदस्त कुर्बानी के लिए बेहतरीन और मुनासिब कीमत में बकरा है।